सेव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हमारा पहला शॉर्टकट की है जिससे आप शट डाउन कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मल वर्चुअल डेस्कटॉप पर रहना है और ऑल्ट F4 प्रेस करना है। अब जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो हमारा दूसरा शॉर्टकट की है कि आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके जो है टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको शिफ्ट की प्रेस करना है और एरो की से अप डाउन करना है। तो मैं एरो की से ही कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। अब हम एरो की से ही उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, देखिए। सो हमारा तीसरा शॉर्टकट की है कि आप किसी भी विंडो को कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कैसे बंद कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ऑल्ट और F4 एक साथ दबाना है। तो हमारा विंडो जो है वो बंद हो जाएगा। सो हमारे इस शॉर्टकट की से आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। आपको कॉपी करने से पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और आपको कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाना है। देखिए ये कॉपी हो गया है। अब इसको पेस्ट करने के लिए मैं कर्सर जो है नीचे ले जाता हूँ और मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V दबा के। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि आप कैसे Ctrl+V प्रेस करके Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने Ctrl+V प्रेस किया और ये पेस्ट हो गया। सो अवर नेक्स्ट शॉर्टकट की इज टू सेव अवर फाइल विद कीबोर्ड। सो आई हैव टाइप अ टेक्स्ट इन MS वर्ड। आई एम प्रेसिंग Ctrl+S। सो सी दिस सेव ऑप्शन इज ओपन एंड व्हेन यू प्रेस एंटर इट विल बी सेव। सो अवर नेक्स्ट शॉर्टकट की इज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट एट ए टाइम। सो यू हैव टू प्रेस Ctrl+A टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट एट ए टाइम। सी ऑल द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड एट ए टाइम। हम आपको बताएंगे कि विंडोज की से आप जो है टास्क मैनेजर के ऐप्स को कैसे ओपन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरा जो पावर पॉइंट है वो 9th नंबर पर है और मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ Windows+9 और आप देख सकते हैं मेरा जो पावर पॉइंट है वो ओपन हो गया है। सो अवर नेक्स्ट शॉर्टकट की इज टू ओपन टास्क मैनेजर। टू ओपन टास्क मैनेजर यू हैव टू प्रेस Ctrl+Alt+Delete। सो सी नाउ यू कैन क्लिक ऑन टास्क मैनेजर एंड हियर द टास्क मैनेजर इज ओपन।